आज ही के दिन 1856 में ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का जन्म हुआ। 1861 में आज ही के दिन पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू कानून के अच्छे जानकार थे। वे साइमन कमीशन समिति के अध्यक्ष रहे और इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। 1928 से लेकर 1929 तक वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। 1889 में आज ही के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर आधिकारिक रूप से जनता के लिए खोला गया। आज ही के दिन 1910 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के निधन के बाद उनका बेटा जॉर्ज पंचम गद्दी पर बैठा। 1944 में आज ही के दिन पुणे के आगा खान पैलेस से गांधी जी रिहा हुए। 1976 में आज ही के दिन इटली में आए विनाशकारी भूकंप से 989 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन 1997 में फ्रांस के क्रिस्टीन जेनिन उत्तरी ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। और आज ही के दिन 2010 में अजमल आमिर कसाब को मौत की सजा सुनाई गई थी। कसाब मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का दोषी था। 29 अगस्त 2012 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने कसाब को मृत्युदंड की पुष्टि कर दी। इसके बाद 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दे दी गई।